सूरजमुखी होते हैं, इस तरह ये मोरों के अंदर सूरजमुखी। अब जिस तरह गुलाबी बकरा एक अलग ब्रीड है, ठीक है, इसके प्राइस हैं 12,000 रुपये पर सिल्वर पिजन के चिक्स। सिल्वर पिजन के चिक्स हैं, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लगा। तो ये बताएं पेयर कितने का दे रहा हूँ? ये पेयर 85,000 का प्राइस के अंदर, ब्लू के वाइट से कंपेयर करेंगे छोटा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल के साथ मैं हूं जहाज़िब जमशेद। तो व्यूवर्स, आज एक बार फिर से हम एक सेटअप पे मौजूद हैं, खासकर आप लोगों के लिए आए हैं सेटअप पे। और इस सेटअप पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे मोर फीजेंट्स, मोर के चिक्स और हिरन। तो आइए इस सेटअप के ऑनर से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जाने पहचाने लग रहे बजट से बात नजर आ रहे हैं। सही बात है, काफी टाइम हो गया। अच्छा, सुना भैंसों के पाड़े में काफी मसरूफ है जो सरजाने टोन पे। डेयरी का भी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत काम करा है, कैटल का भी कर रहे हैं। अच्छा, आंधी, मैंने सुना आंधी में काफी नुकसान हुआ वहाँ पे। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमारा सेफ रहा है, बाकी काफी लोगों का नुकसान हुआ है। काफी लोगों का नुकसान हुआ है। वहाँ पे कितने बाड़े हैं? तकरीबन 1500 से 2000 के दरमियान बाड़े हैं कॉलोनी में। अच्छा, आपका बड़ा सेफ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तौसीफ भाई, कुछ बताना चाहते हैं व्यूअर्स को? इतने अर्से आप कहाँ गायब रहे, कहाँ मसरूफ? अभी आपने बता तो दिया कि डेरी के अंदर थोड़े से लगे हैं, कुछ कैटल का कर रहे हैं। अच्छा, कैटल का कर रहे हैं आप? कैटल्स का भी है, डेरी का भी थोड़ा बहुत। अच्छा, आज व्यूअर्स को क्या क्या दिखाएंगे आप? इंशाल्लाह मोर की वैरायटी, काफ़ी टाइम से आप लोग कह रहे थे कि मोर का कुछ दिखाएं सेटअप, तो इंशाल्लाह आज मोर की वैरायटी दिखाते हैं। साइज के हिसाब से भी, कलर के अंदर भी काफ़ी सारा माल है। चलिए। अच्छा तौसीफ भाई, ये बताएं जो यहाँ पे मोर बैठे हुए कौन से हैं? ये ब्लैक शोल्डर का है, माशाल्लाह से फुल ब्रीडर पेयर है, मेल है ये, इसके साथ फीमेल है, ये इधर नीचे घूम रही है इनकी। हमारे पास ये ब्लैक शोल्डर की फीमेल है जो ऑफ वाइट कलर के अंदर है, वो भी है। इसके साथ ये वाइट का मेल है, एक और वाइट का मेल है, वाइट की फीमेल। अच्छा तौसीफ भाई, सारे फ्रेंडली हैं, इनके आस पास घूमे डरते नहीं? फार्म वाले हैं, कोई वाइल्ड बाइट वगैरह नहीं करते? बाइट भी नहीं करते सर, मोर बाइट करते नहीं, मोर बाइट नहीं करता, थोड़ा बहुत छलांगे लगाते हैं, जो वाइल्ड होते हैं वो लगाते हैं। अच्छा तौसीफ भाई, ये जो हम मोर देख रहे हैं, इसकी प्राइस क्या है? ये ब्लैक शोल्डर का मेल है और फुल ब्रीडर मेल है, ठीक है। इसका पूरा पेयर 30,000 रुपये का है, फुल ब्रीडर पेयर। फुल ब्रीडर कन्फर्म ब्रीडर होगा ये, ठीक है। अच्छा, इसकी बताएं एज कितनी है पेयर? ये तकरीबन मेल है 3.5 साल की एज का। इसके साथ एक और मैं ये दिखाता हूँ, ये ब्लू शोल्डर है पर जी। तौसीफ भाई, इस वाले ब्लू शोल्डर की आप बात कर रहे थे? हाँ, ये भी ब्लू शोल्डर है, इसके पीछे एक और वो भी ब्लू शोल्डर है, ठीक है। हमारे पास ये जो स्टैंड पे बैठा है, ये ब्लैक शोल्डर है। अच्छा, ये वाला ब्लैक शोल्डरों के ऊपर थोड़ा होता है, ये ब्लैक हो रहे हैं और इसके बाद क्रॉसिंग आ रही होती है। अच्छा, ये ब्लैक कलर की वजह से ब्लैक शोल्डर के होते हैं, दोनों सेम ब्लू ही हैं। अच्छा, और जो ब्लू शोल्डर होते हैं उनके ब्लू कलर होते हैं? ब्लू इसके ऊपर क्रॉसिंग आ रही होती है शोल्डर के ऊपर। अच्छा, वैसे ब्लू शोल्डर का पेयर कितने का दे रहे हैं आप? ब्लू शोल्डर ले लें, ब्लैक शोल्डर ले लें, 30,000 रुपये का पेयर है, ब्रीडर पेयर है, कंफर्म ब्रीडर होगा। अच्छा, और ये बताएं तौसीफ भाई, वाइट वाला? ये वाइट वाला, ये भी ब्रीडर पेयर है, दो पेयर रखे हुए हैं अभी मेरे पास। इसके अंदर ये 40,000 रुपये का पेयर है, वाइट वाला 40,000 रुपये का। हाँ, ये भी माशाल्लाह से पूरा साफ। जी तौसीफ भाई, वाइट वाले मोर के बारे में क्या बता रहे थे आप? वाइट वाला मोर, जिस तरह हमारे अंदर इंसानों में सूरजमुखी होता है, इस तरह ये मोरों के अंदर सूरजमुखी। अब जिस तरह गुलाबी बकरा एक अलग ब्रीड बन गई है, इसी तरह मोरों की वाइट अलग ब्रीड बन गई है। ये आए इसी से ब्लड लाइन से, ब्लू से ही है, लेकिन ये क्या वाइट की एक अलग ही, जिस तरह गुलाबी बकरा और नुकरे बछड़े हो गए हैं, इसी तरह ये वाइट मोर की अलग ही ब्रीड है, इसी तरह यूनिक एक निकल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से। अच्छा तौसीफ भाई, ये बताएं इनके इतने पर हैं और काफ़ी कराची में गर्मी है, माशा मैं देख रहा हूँ आपको भी ठीक ठाक पसीना आ रहा है, तो इनको किस तरीके से एडजस्ट करते हैं हम गर्मियों में? गर्मी के अंदर इसको जो है हम ORS का पानी वगैरह इसको ज़्यादातर करते हैं, यूज़ करवाते हैं। ORS का पानी डेली पिलाना है? डेली इसके अंदर कर लें। अच्छा तौसीफ भाई, व्यूवर्स को क्या दिखा रहे हैं आप? जो है इससे छोटे एज के अंदर, तकरीबन 1.5 से 2 साल की एज के ब्लू शोल्डर, ब्लैक शोल्डर, वाइट के अंदर वो मेरे साथ। हाँ, तकरीबन नेक्स्ट ईयर ब्रीड देंगे वो इंशाल्लाह, वो भी नेक्स्ट ईयर ब्रीड के लिए तैयार हो देंगे। ब्रीड अच्छा, अभी जो हमने देखे वो रेडी टू ब्रीड है? वो ब्रीड कर रहे हैं मेरे पास, एक लाइन है इनके अंदर फीमेल के अंदर। अच्छा, ये ब्रीड करते हुए जो है? हाँ, अच्छा, आप यंग पट्टे दिखा रहे हैं? बिल्कुल नेक्स्ट ईयर के वो मैं दिखा, नेक्स्ट ईयर ब्रीड के लिए जो रेडी है देख लेते जी। ये ब्लैक शोल्डर के दो पेयर रखे हुए इधर, ठीक है। ये तकरीबन 1.5 से 2 साल की एज के, 1.5 से 2 साल के हैं। जी जी। अच्छा, नेक्स्ट ईयर ये ब्रीड करेंगे? नेक्स्ट ईयर ये ब्रीड देंगे। अच्छा अच्छा, ये बताएं तौसीफ भाई, प्राइस क्या है? इसकी प्राइस है 18,000 रुपये पेयर की। और इनमें कौन कौन से पेयर हैं? वाइट वाले हैं, इसके अंदर ब्लू शोल्डर, ब्लैक शोल्डर है, नीचे ब्लू शोल्डर है, इसके साथ फीमेल है। इसके अंदर ये ब्लू शोल्डर के मेल हैं, ब्लैक शोल्डर की फीमेल हैं, ब्लैक शोल्डर की फीमेल हैं, ब्लू शोल्डर के मेल हैं। बिल्कुल।
इसी के साथ और भी रखे मेंबर। ये भी ब्लू शोल्डर और ब्लैक शोल्डर के मिक्स हैं, ये भी 1.5 से 2 साल के एज के हैं, सेम प्राइस हैं। अच्छा ये बताएं तौसीफ भाई, अगर इसमें ब्रीडर जोड़ा होगा तो वो कितने का होगा? वो 35,000 रुपये का पेयर है, ब्रीडर ब्रीडर ब्रीड की गारंटी होगी, ब्रीड की गारंटी होगी। हाँ अच्छा ये ब्रीड जब करते हैं तो ऐसी कलर आता है वाइट? हाँ ये वाइट के साथ क्रॉस करके आते हैं, फिर जब वाइट के साथ वाइट चल रहा होता है तो फिर वो वाइट ही आते हैं उसके साथ, वाइट ही कलर के आते हैं, ब्लू वाइट ब्लैक वाइट दोनों। तौसीफ भाई इनके बारे में बताएं, इनकी एज कितनी है, कितने के दिन आप? ये भी सेम एज है तकरीबन 1.5 से 2 साल के, नेक्स्ट ईयर ब्रीड के लिए करेंगे इंशाल्लाह। ये भी 18,000 रुपये का पेयर है, 18,000 रुपये का पेयर है जी। अच्छा तौसीफ भाई बड़े छोटे नहीं लग रहे मुझे, ऊपर वाले बड़े लग रहे हैं थोड़ा? नहीं तकरीबन एज के अंदर मैं कह रहा हूँ ना, 1.5 से 2 साल के दरमियान के, कुछ 1-2 महीने ऊपर नीचे के एज के होंगे, बाकी सेम एज के हैं। अच्छा ये बताएं तौसीफ भाई, यहाँ पे आपने चिक्स रखे हुए, क्या क्या एज है इनके? ये तकरीबन 4 महीने की एज के, 3 से 4 महीने के दरमियान के हैं। इनकी प्राइस? ये प्राइस के अंदर है 10,000 रुपये का पेयर है। 10,000 रुपये का पेयर दे रहे हैं? बिल्कुल, 4 महीने की एज में, 4 महीने के ब्लू शोल्डर हैं। अच्छा तौसीफ भाई ये बताएं, रेडी टू ब्रीड कितने अर्से में हो जाएगा? ये तकरीबन 2 साल लेंगे, 2 साल के अंदर रेडी हो जाते हैं, साइज में फुल हो जाएंगे, फुल हो जाएंगे बिल्कुल। अच्छा तौसीफ भाई 4 महीने के और 2 साल और लेंगे रेडी टू ब्रीड के लिए, और आप ये पेयर दे रहे हैं 10,000 का? बिल्कुल। अच्छा तौसीफ भाई चिक्स जो होते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, छोटे होते हैं, उनकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है बड़ों के नस्बत, तो ये बताएं गर्मियों के सीज़न में आप इनकी क्या केयर करते हैं? गर्मियों के अंदर इसको हम जो दे रहे होते हैं विटामिन होता है, एडिक वगैरह कोई सा भी अच्छा विटामिन ले लें, उसके अलावा ORS का पानी मुस्तकिल बेसिस पे वो इस्तेमाल करवाएं, जिस तरह गर्मी अभी आ रही हो रही है हमारे यहाँ पे, तो ये इस्तेमाल करवा रहे हैं सर। इसके अलावा इसको अच्छे हवा वेंटिलेशन अच्छी रहे इसके पास, ताकि वो परिंदा जो है डिहाइड्रेशन ना हो, यानी कोई फ़ैन वगैरह लगा, कोई फ़ैन वगैरह लगा सकते हैं, सर्कुलेशन होती रहे हवा की। बिल्कुल। अच्छा तौसीफ भाई आपने अभी आपने ब्लू शोल्डर के चिक्स दिखाए, अब नेक्स्ट में कौन से चिक्स दिखा रहे हैं? ब्लैक शोल्डर के चिक्स दिखा रहा हूँ, मेरे पास ब्लैक शोल्डर के भी चिक्स मौजूद हैं जी। तौसीफ भाई ये ब्लैक शोल्डर हैं? ये बिल्कुल ब्लैक शोल्डर हैं, जिस तरह वो ब्लू शोल्डर थे मैंने बड़ों के अंदर भी आपको डिफरेंट बातें कर दी है, इसके अंदर ये देखें ये ब्लैक शोल्डर हैं, बड़े हो गए सेम नेक वगैरह ब्लू ही होगी, शोल्डरों के अंदर फर्क आ जाएगा, सिर्फ ब्लैक कलर आ जाएगा। बिल्कुल प्राइस इसके अंदर भी ये सेम ही है, 10,000 रुपये का पेयर है ये भी। अच्छा इन चिक्स की एज कितनी है? ये भी 4 महीने की एज के हैं, 4 महीने की एज में। अच्छा ये साइज में थोड़े बड़े लग रहे हैं, वो छोटे लग रहे हैं, क्या होगा? 3 से 4 महीने की एज, तो कोई अभी हमने ब्लू शोल्डर देखे हैं वो साइज में छोटे लग रहे थे, एज कम्पेयर टू मैं ब्लैक शोल्डर देख रहा हूँ इसके अंदर कुछ पीस देखे, मैंने कहा ना 3 से 4 महीने की एज के, तो मतलब ये कि ये 3 से 4 के कुछ 10-12 दिन पहले की है छोए में कुछ बात के, और बाँस की ग्रोथ अच्छी होती है। अच्छा एज की वजह से इनका साइज? बिल्कुल एज की वजह से साइज वेरी हो रहा होता है कि साइज। अच्छा तौसीफ भाई ये बताएं यही आपके पास मौजूद है या और भी ब्लैक शोल्डर मौजूद है? ब्लैक शोल्डर मेरे पास और भी मौजूद हैं, बराबर वाले केज में दिखा देता हूँ। ये भी ब्लैक शोल्डर के चिक्स हैं, अब ये देखें आप जो साइज की कह रहे थे ना यहाँ पे उसके कुछ छोटे हैं, तो वो 3-4 महीने के इसीलिए ये हैं, तो कुछ 10-15 दिन पहले के छोटे वाले साइज के हैं, 3 महीने के हैं तकरीबन, 3 महीने के, बिल्कुल 3 महीने के, और जो साइज में बड़े हैं वो 4 महीने के, कुछ दरमियान है तो वो 3.5 महीने के, इस तरह 10-15 दिन का फर्क रहता है एज होने के अंदर। अच्छा प्राइस सबकी सेम है? प्राइस सबकी सेम है 10,000 रुपये, ब्लैक शोल्डर ले लें ब्लू शोल्डर ले लें, 3 से 4 महीने के एज 10,000 रुपये। अच्छा तौसीफ भाई मोरों में कोई और स्पीशीज के चिक्स आपके पास मौजूद हैं तो बताएं? मेरे पास मोर के अंदर वाइट कलर भी मौजूद है 3 से 4 महीने के, वाइट कलर के चिक्स भी आपके पास मौजूद हैं? बिल्कुल वाइट के अंदर भी, मैं वाइट दिखा देता हूँ आपको, चले देख लेता हूँ जी। तौसीफ भाई ये वाइट कलर के चिक्स हैं? बिल्कुल ये वाइट कलर के चिक्स हैं, ये भी तकरीबन 3 से 4 महीने की एज के हैं, 3 से 4 महीने की एज। बिल्कुल। और इनकी डिमांड? इनकी जो प्राइस है वो 14,000 रुपये, 14,000 हाँ पेयर की। तौसीफ भाई मैं देख रहा हूँ आपने लाइन से 3 केज में रखे हुए हैं और साइज़ में छोटे बड़े, तो क्या इनमें साइज़ के हिसाब से प्राइस में भी वेरिएशन है? बिल्कुल इसके साइज़ के नहीं, तकरीबन 4 महीने की एज के हैं, तो ये 2.5 से 3 महीने के दरमियान के इसके बराबर वाले केज में, और उससे आगे मेरे ये देखें इसके अंदर ये 2.5 से 3 महीने की, हाँ अब ये देखें नीचे 3 महीने की एज से ये छोटा है, 2-2.5 महीने की एज का है, ठीक है। इसके प्राइस हैं 12,000 रुपये, प्राइस इसके 12,000 है जी, पेयर के, पेयर के। और ये बताएं तौसीफ भाई इसके बराबर में जो केज है इसमें और छोटे, इसके अंदर और छोटे साइज के हैं, ये तकरीबन 1.5 महीने की एज के हैं, डेढ़ महीने की एज के हैं चिक्स,
क्योंकि कस्टमर हर तरह का चीख से आ रहा होता है कि यार थोड़े कम उसके अंदर, ये 10,000 रुपए का पेयर है वाइट के अंदर, सबसे छोटे जो है 10,000 रुपए के पेयर, डेढ़ महीने के। हाँ, इसके अलावा ब्लू में भी है छोटे कोई। अच्छा तौसीफ भाई, ये सारे चीक्स तो जो आपने दिखा दिए, इसके अलावा भी कोई चीक्स आपके पास मौजूद है? बिल्कुल, ब्लू के अंदर मेरे पास ब्लू शोल्डर के अंदर छोटे चीक्स भी मौजूद हैं, तकरीबन 2-2.5 महीने वाले, वो भी मैं दिखा देता हूँ। 2-2.5 महीने के चीक्स हैं? 2-2.5 महीने के। जी तौसीफ भाई, आपने इनकी एज बताई थी 2-2.5 महीने। बिल्कुल, ये देखें जिस तरह व्हाइट वाले मैंने आपको बीच के अंदर दिखाए थे 2-2.5 महीने की एज के, ये भी सेम एज सेम साइज़ है, प्राइस के अंदर ब्लू के व्हाइट से कंपेयर करेंगे छोटा है, कम। अच्छा, आपने यहाँ पे व्हाइट कलर का चिक छोड़ा ताकि साइज में कम। बिल्कुल। अच्छा, एज दोनों की सेम है? सेम, तकरीबन 2.5 महीने की। 2.5 महीने ढाई से। हाँ। अच्छा, व्हाइट वाला फिर भी छोटा लग रहा है? नहीं, तकरीबन सेम है, ये देखें कुछ चीज़ इसके अंदर हैं। अच्छा, इनकी प्राइस क्या है ब्लू शोल्डर के? ब्लू शोल्डर का ये साइज़ का 8,000 रुपये का है। 8,000 रुपये? 8,000 रुपये। बिल्कुल, इससे बड़ा जो 4 महीने का वो 10,000 रुपये का पेयर है, और इसी तरह 4 महीने का व्हाइट के अंदर 14,000 रुपये का पेयर है। अच्छा तौसीफ भाई, एक बात बताएं, इनको फास्ट ग्रोथ करने के लिए क्या आप देते हैं? कोई स्पेशल फीड है इनकी जो इससे खा के बड़े हो जाते हैं जल्दी? इनको फीड के अंदर ऑयल मिला देता हूँ जिससे इनके फिगर वगैरह अच्छे हो जाते हैं। ऑयल मिलाता हूँ। अच्छा, ऑयल कौन सा इस्तेमाल करते हैं? ऑयल इसके अंदर तारे मीरा का ऑयल, जो बाज़ दफ़ा कड़वा होता है थोड़ा सा और जलन भी मिलता है, वो अच्छा रहता है इनके। अच्छा, तो गर्मियों में नुकसान तो नहीं करता है? गर्मी के अंदर नुकसान नहीं करता, ऑयल से कोई नुकसान नहीं होता है। अच्छा तौसीफ भाई, व्यूअर्स को नेक्स्ट मैप क्या दिखा रहे हैं आप? मेरे पास सिल्वर प्रेजेंट के चेक भी मौजूद हैं और ब्रीडर भी मौजूद है, मैं वो दिखा देता हूँ, चला देखता हूँ। जी तौसीफ भाई, सिल्वर प्रेजेंट है? ये सिल्वर प्रेजेंट का पूरा पेयर है, फीमेल एक लाइन कर रही है इसकी। अच्छा, ब्रीड कर रही हैं? बिल्कुल। अच्छा, फर्स्ट टाइम ब्रीड कर रहे हैं? नहीं, सेकंड टाइम ब्रीड कर रहे हैं ये। सेकंड टाइम ब्रीड कर रहे हैं, तो ये पेयर आप कितने का बता रहे हैं? 18,000 रुपये का पेयर है ये। 18,000 रुपये का पेयर है जी। अच्छा तौसीफ भाई, ये बताएं मैच्योर कितने अर्से में होते हैं, क्या एजेस के? अभी ये 1 साल के अंदर मैच्योर हो चुके होते हैं, कलर अपना पूरा तकरीबन 1.5 साल में करते हैं ये। अच्छा, इनमें जो परों में कलर आते हैं, कलर का जिस तरह ये वाइट ऊपर सिल्वर कलर आ रहा है, नीचे ब्लैक, ये 1.5 साल की एज के अंदर जाके होता है, वैसे मैच्योर ही 1 साल के अंदर हो जाता है, रेडी टू ब्रीड 1 साल के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तौसीफ भाई, आपने ब्रीडर पेयर तो दिखा दिया, जो चिक्स में आप दिखाने जा रहे हैं वो वाइट कलर में ही है और मुख्तलिफ कलर? नहीं, ये सिल्वर फिजेंट के चिक्स हैं, मैंने कहा ना कलर ये बाद में क्लियर करते हैं अपना, तो अभी चिक्स हैं वो मैं दिखा देता हूँ आपको, चलो चिक्स देख लेते हैं। जी तौसीफ भाई, अभी जो हम फिजेंट्स के चिक्स देख रहे हैं, तमाम चिक्स जो हैं वाइट कलर में हैं? नहीं, ये सिल्वर फिजेंट है, ये वाइट सिल्वर फिजेंट के, सिल्वर फिजेंट के चिक्स हैं। बिल्कुल। तो ये डिमांड, ये 8,000 रुपये का पेयर है और एज के अंदर ये हैं तकरीबन 3-3 महीने के, एज के अंदर 3-3 महीने, 3-3 महीने के हैं। इस तरह ये पर्स वर्स छिले में अभी ये जिस तरह एज ग्रो करते रहेंगे, इनके पर्स सारे आ जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, फीजन को फीड में क्या देना चाहिए? फीजन भी फीड ही वही जो 3 नंबर फीड। 3 नंबर फीड जी। अच्छा, और ये बताएं तो, सब्जी में इनको क्या क्या देना चाहिए? सब्जी के अंदर मैं जो देता हूँ वो लूसन देता हूँ और पालक देता हूँ, कटिंग करके। अच्छा, खीरा खिलाने के लिए मुनासिब नहीं है? नहीं, इनके लिए खीरा नहीं। इसके अलावा आप सर्दी के अंदर इसको लहसुन और प्याज, और गर्मी में सिर्फ प्याज, ये चीज़ कर सकते हैं, छोटे पीस करके दे दें, ये खुद खा लेंगे। तौसीफ भाई, अब तो हमने चिक्स और बर्ड्स वगैरह देख लिया, आप ये बताएं एनिमल में क्या दिखा रहे हैं? एनिमल में मेरे पास सिंकारा हिरन के चिक्स मौजूद हैं, बेबी सेल्फ फीड के हैं, तकरीबन 5 से 6 महीने की एज के हैं। सिंकारा हिरन के आपके पास बेबी मौजूद हैं? बिल्कुल, 2 मेल 2 फीमेल मौजूद है, मैं दिखा देता हूँ। माशाल्लाह, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये बताएं पेयर कितने का देना? ये पेयर 85,000 का है। 85,000 का? हाँ। अच्छा, इसकी एज कितनी है अभी? ये तकरीबन 5 से 6 महीने का। इनकी सिंगे देखें, सिंग के से वो हो रही होती है, थोड़ी थोड़ी इसकी सिंग आ रही है। 5 से 6 महीने का? बिल्कुल। और ये बताएं तौसीफ भाई, मैच्योर कितने अर्से में होता है ये? रेडी टू ब्रीड 1.5 साल के अंदर होता है ये। 1.5 साल के अंदर जी। अच्छा तौसीफ भाई, ये बताएं इनको रखने का तरीके कार क्या है, किस तरीके से रख सकते हैं? अगर कोई नया बंदा खरीदे इनको जिसको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो इनको किस तरीके से रख सकता है? इनके नीचे मट्टी होनी चाहिए, मैंने तो अभी नया सेटअप बनाया, तो अभी इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर मट्टी आ जाएगी मेरे पास, क्योंकि फार्म से सारा माल आ रहा होता है, तो फार्म के ऊपर जो सेटअप हमने करा हुआ है वो इसी तरह मट्टी वगैरह नीचे रखते हैं। और केजी इस तरह के हो, क्योंकि रस्सी वगैरह तो नहीं डलवाते गले के अंदर, केज इस तरह का हो कि उसके अंदर एक सेपरेट जगह हो, रूम टाइप की दीवार हो, वॉल हो, ताकि वो अपने आप को सेफ समझे वहाँ पे जाके ये। अच्छा, बड़ी जगह भी होनी चाहिए ताकि? हाँ बिल्कुल, चहलकदमी वगैरह। अच्छा, और ये बताया तौसीफ भाई, ये खाने में सिर्फ लूसन खाता? नहीं, ये सेल्फ फीड वाले हैं ना, मैंने कहा कि दाना वाना भी खा रहे हैं। दाने में क्या क्या खिलाते हैं? मैं इसको दाने में दे रहा हूँ छिलका, भूसी, जौ और जो तूड़ी होती है गंदम की, वो।
अच्छा तौसीफ भाई, इनकी प्राइस बता देगा। ये 6-6 महीने की एज के और 85,000 रुपये का पेयर है, एक मेल एक फीमेल। एक मेल एक फीमेल 85,000 रुपये का जी, 6-6 महीने के। तो तौसीफ भाई, आइटम मौजूद था आपके पास जो आपने व्यूअर्स को दिखाया? बिल्कुल, अभी आपको खुद को पता है लॉकडाउन की वजह से माल तो इस तरह का आया नहीं रहा, ट्रैवल हो ही नहीं रहा है, तो ये भी बड़ी मुश्किल पहुँचा है। तो जो भी था आपने दिखा दिया, जो भी चले देखा, आपने काफ़ी सारे केजेस खाली भी हैं अभी मेरे पास। हाँ, मैंने देखा है, वैरायटी काफ़ी थोड़ी कम है आपके पास अभी। हाँ, तो लेकिन क्वांटिटी मैंने कोशिश करी है क्वांटिटी हो, एक आध चिक्स दिखा के मैं बोलूँ मेरे पास मौजूद है, इस तरह मुझे मज़ा नहीं आता। आपने जब भी देखा है कि मेरे पास मौजूद होते हैं। चले आप व्यूवर्स के बेनिफिट की बात करते हैं, तो ये बताएँ क्या डिस्काउंट करेंगे आप व्यूवर्स के लिए? आपकी बात व्यूवर्स से बोलेंगे हमारे साथ करें, लॉकडाउन चल रहा है। तो व्यूवर्स के लिए भी तो लॉकडाउन चल रहा है। नहीं जरूर, हमारे लिए भी तो है ना, सबके लिए चल रहा है। तो व्यूवर्स से बोले आपकी बार हमारे साथ चल रहे हैं, वो कोऑपरेट करें। मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके व्यूवर्स के लिए कोऑपरेट रहेगा, बेफिक्र करेंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहेंगे इंशाल्लाह। वो तो आपको खुद को भी पता है, करते ही हैं हर दफा। अच्छा, व्यूवर्स को कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, काफ़ी अर्से बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बिल्कुल, कहने जाएंगे कि जो भी बर्ड्स लेकर जाए वो अच्छे से केयर करें और कोशिश करें जिस तरह बच्चों को रखते हैं इसी तरीके से बर्ड्स को भी अपने बच्चों की तरह। बिल्कुल बिल्कुल, और अगर कोई भी गाइडलाइन हो तो आप बिल्कुल जो भी गाइडलाइन चाहिए हो, मोरों के हवाले से, हिरन के हवाले से, सुरखा के, जिस हवाले से भी चाह रहे हों, चला गाइडलाइन मिल जाएगी। अच्छा, तो उसी पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करना। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 03218910220, व्हाट्सएप पर भी यही नंबर है। तौसीफ भाई बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अर्से बाद आपसे मुलाकात हुई और काफ़ी कुछ आपने दिखाया। जुनैद के साथ तो रही, आपके साथ काफ़ी टाइम बाद हुई है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ ये सेटअप पे हमने आपको बर्ड्स वगैरह दिखाया, हिरन दिखाया, आज आप लोगों को पसंद आया होगा। इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, इतना पसीना बहाते हैं गर्मी में, आप लोग देख सकते हैं यहाँ कहीं पंखा नहीं है, हवा बिल्कुल रुकी हुई है, लेकिन आप लोगों के लिए खासकर सेटअप पे आते हैं, विजिट करते हैं आप लोगों को लेटेस्ट प्रोग्राम दिखाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन लोगों तक भी नॉलेज पहुँच सके जो इन चीज़ों का शौक रखते हैं और करना चाहते हैं। और साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक करें, इसके साथ साथ मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह आप लोगों की खिदमत में नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होऊंगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।